ऑटोमेशन कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एलम ब्रेडली पीएलसी के ऊपर एक लाइव प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आज का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है पासवर्ड प्रोजेक्ट टू पासवर्ड प्रोग्राम टू लॉकर। यहाँ पर आपके पास एक लॉकर है और एक कीपैड होगा। तो पहले हम प्रोग्राम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसके कंसेप्ट क्या है देखेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट क्या है इसका, देर इज़ वन लॉकर एंड कीपैड है 0 to 9 digit और उसमें एक रिसेट स्विच भी ऐड है। ओवरऑल 11 आपके स्विचेस है। ठीक है, तो इस तरह का लॉकर है और एक कीपैड है। ठीक है, देन वहाँ पर आपको एक पासवर्ड ऑलरेडी दिया गया है। पासवर्ड है आपका 123, मतलब 3 digit का पासवर्ड यहाँ पर सेट करके रखा है। बस आपको उसको यूज़ करना है इन प्रोग्राम में। ठीक है, और जो रिसेट स्विच है वो भी आपको यूज़ ही करना है। पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि 1 2 3 अगर इस तरह से अगर पासवर्ड आपने डाला तभी लॉकर ऑन होगा यानी ओपन होगा, नहीं तो वो क्लोज ही रहेगा। ठीक है, और रिसेट की क्या कंडीशन है कि अगर रिसेट स्विच अगर आपने दबाया तो जो भी आप कीज़ पहले ऑपरेट करोगे तो वो रिसेट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपका लॉकर ओपन है और आपने रिसेट स्विच अगर प्रेस किया तो लॉकर अगेन से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये दो कंडीशंस है। रिसेट स्विच किस लिए यूज़ किया गया, कि जो भी कीज़ आपने रॉन्गली दबाई होगी उनको रिसेट करने के लिए, या फिर अगर लॉकर आपका ओपन है तो आपको उसको क्लोज करना है, तो आप रिसेट प्रेस करोगे तो लॉकर आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रोजेक्ट की स्टेटमेंट है। अब हम इसको बनाने वाले हैं बाय यूजिंग एलम ब्रेडली सॉफ्टवेयर RSLogix 500। तो सबसे पहले हमें RSLinux क्लासिक ओपन करना पड़ेगा। ये क्लासिक है और यहाँ पर जाके कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ेगा, ये जो कम्युनिकेशन है। अब हम लोग विदाउट हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, एमुलेटर ड्राइवर। वो सेट कैसे कर लेते हैं वो देख लीजिए। इसको स्टॉप कर दो, डिलीट कर दो, जो भी पहला होगा उसको स्टॉप कर दो, डिलीट कर दो और यहाँ से एमुलेटर ड्राइवर को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इसको ऐड न्यू करो और ओके बोल दो। ठीक है, अब ये जो एमुलेटर ड्राइवर सॉफ्टवेयर है एलम ब्रेडली का, ये एलम ब्रेडली के हर एक प्रोडक्ट के लिए, चाहे वो आपका HMI हो, चाहे आपका ड्राइव हो, सर्वर ड्राइव हो या फिर PLC हो, उसके जो कम्युनिकेशन ड्राइवर्स होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, वो सब आपको यही पर मिल जाएगा। तो ये उसका एक कॉमन सॉफ्टवेयर है एलम ब्रेडली का, उसके हर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, देन आपका सॉफ्टवेयर आता है फॉर द PLC, ये है आपका RSLogix 500, ये आपका PLC प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फॉर द एलम ब्रेडली यहाँ पर हम एक नया प्रोग्राम बना रहे हैं और इस प्रोग्राम का नाम हम लिखेंगे लॉकर। ठीक है, और यहाँ पर जो ड्राइवर हमने यूज़ किया वो ड्राइवर का नाम यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको जो सपोर्टेड PLC है, PLC हम देखेंगे कौन सा PLC होगा हमारा, ये 1747L532 जो PLC सीरियसली यही आपको सिमुलेशन में सपोर्ट करेगा, बाकी कोई PLC नहीं करेगा। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है और इसको ओके बोल देना है। ठीक है, देन आप क्या करोगे, IO कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमें कुछ इनपुट भी चाहिए, कुछ आउटपुट भी चाहिए। तो बेसिकली हम कुछ डिस्क्रीट इनपुट ले लेते हैं, यानी 16 discrete इनपुट ले लेते हैं और 16 discrete आउटपुट भी ले लेते हैं। ये तो हमारे आ गए। अगर आपको रैग बढ़ाना है तो आप यहाँ से रैग भी बढ़ा सकते हो। अगर आपको 4, 7, 10, 13 स्लॉट वाला चाहिए तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, अगर रिक्वायर्ड है तो। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आपको कम्युनिकेशन भी चेक करना तो आप ऐसे कम्युनिकेशन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रोग्राम बना लेते हैं, हमारा जो प्रोग्राम है वो आउटपुट है। बेसिकली वो काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम है हमारा और हम यहाँ पर 3 switches यूज करने वाले हैं, तो स्विचेस के नाम भी हम दे देते हैं। ये होगा SW1, देन ये होगा SW2 और ये होगा SW3।
जो हम यूज़ करने वाले हैं, और स्टेटमेंट के हिसाब से पहले वाला जो पासवर्ड आपका क्या है, 123 है ना, तो सबसे पहले 1 वाला प्रेस होगा, तभी जाके आप सेकंड वाला भी प्रेस कर सकते हो। ये इसका सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस के हिसाब से हम उसको बना रहे हैं। तो पहले हमने किसके लिए बनाया, एक स्विच नंबर 1 के लिए बनाया। चाहे तो आप इसको कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है, बस जो फर्स्ट नंबर वाला है ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसको इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो इसको इसमें बाहर निकालेंगे, इसको यहाँ पर रुक जाता है। और ये जो XIC है यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, XIO है ना, इसको XIC कर देंगे, तो ये हो गया XIC, ठीक है। इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका आउटपुट का ये एड्रेस ये चेंज हो जाएगा। इसको हम ऑन कर देंगे और इसी को हम यहाँ पर होल्ड के लिए ले रहे हैं, ठीक है। ये एक मेथड है इसकी, और एक सिंपल सा और आपको देखना है तो सिंपल से इस तरह से भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। ये इसका एक होल्डिंग सर्किट बना के रख दिया है मैंने। यहाँ पर क्या होगा आपको, एक आपको इनपुट लेना पड़ेगा, और ये होगा आपको सेकंड का स्टेटस, ये आपका थर्ड स्विच, ठीक है ना, और ये थर्ड स्विच का स्टेटस जो कि आप होल्ड कर रहे हो। ये मतलब हमने स्टेटस बस यूज़ कर लिया है यहाँ पर फॉर द होल्डिंग पर्पस, और इसको हम ट्रैक कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बन गया आपका प्रोग्राम। देखिए स्विच 1 अगर प्रेस करोगे उस टाइम स्विच 2 और स्विच 3 ये क्या होने चाहिए, बंद होने चाहिए। जब 2 वाला प्रेस करोगे तो फर्स्ट वाला ऑन होना चाहिए, थर्ड वाला बंद होना चाहिए, तभी आप 2 सेकंड वाला ऑन कर सकते हो। और जब थर्ड वाला प्रेस करे जा रहे हो तो सेकंड वाला ऑन होना चाहिए, तभी आप थर्ड वाला ऑन कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में ये तीनों स्टेटस जब ऑन होंगे, ये जब तीनों स्टेटस ऑन होंगे इन अ सिक्वेंशियल मैनर, तभी क्या होगा आपका जो मेन लॉकर है लॉकर ऑन होगा, वरना ये लॉकर ऑन नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर है आपका आउटपुट। अब चाहे तो इसको नाम देना चाहते तो दे सकते हो, क्या नाम दोगे आप इसको, लॉकर, तो इसको नाम देते हैं लॉकर, ठीक है। इसके स्टेटस क्लियर, ये प्रोग्राम आपका बन गया। यहाँ पर अभी हमें देखा हुआ डिफाइन करना है रिसेट, तो जैसे आप रिसेट को प्रेस करोगे तो रिसेट से क्या होना चाहिए आपका आउटपुट, अगर ऑन है तो वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई भी अगर स्विच आपने प्रेस करके रखा है अगर उसको रिसेट करना तो यहाँ से उसको रिसेट भी कर सकते हो। तो ये आपका बन गया फुल प्रूफ प्रोग्राम, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है, सेव हो गया, डाउनलोड कर लिया इसको, ऑनलाइन जा रहे हैं, देन यहाँ पर उसको हम रन मोड में ले लेते हैं, ठीक है। अब लोग हम लोग आ गए रन मोड में, ठीक है। यहाँ पर उसको चेक कर लेते हैं, मान लो कि हमने स्विच 1 प्रेस कर लिया, देन उसको रिलीज कर लिया, देन हमने स्विच 2 प्रेस कर लिया, देन हमने उसको रिलीज कर दिया, और हमने देन थर्ड वाला प्रेस कर लिया, तो यहाँ पर हमारा लॉकर ऑन हो गया, ओपन हो गया। पर बीच में अगर आप रिसेट स्विच कहीं पर भी दबा देते हो तो आपका लॉकर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो अभी आपने देखा ये सिंपल सा प्रोग्राम हमने बनाया है,
अभी हम ऑनलाइन मोड पे भी हैं, तो ये प्रोग्राम आप घर पे भी बना के देख चेक कर सकते हो। अगर आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो अगर आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं अपना प्राइवेट लिंक के ऊपर आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दूंगा, एनएम रेडली के दोनों ही, तीनों ही सॉफ्टवेयर। इसके लिए तीन सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, एक एम्युलेटर सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, एक आपको सिमुलेशन के लिए लगता है, ये देखिए यहाँ पर हूँ, कंटिन्यूसली ऑन रहेगा, इसको हमने ऑन नहीं किया लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। ये एम्युलेटर सॉफ्टवेयर है, ये हमें चाहिए होता है, ठीक है। देन आपका आर एस लंक्स है और आपका आर एस लॉजिक्स 500, दोनों ये तीनों सॉफ्टवेयर हमें चाहिए जब हम उसको सिमुलेशन पे यूज़ कर रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए जिनको जिनको चाहिए, मैं उनको उनकी मेल आईडी के ऊपर भेज दूँगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोई प्रोग्राम में डाउट है या फिर अगर आपको कोई एग्जांपल है जो आपको चेकआउट करना है या फिर आपको मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस तरह का प्रोग्राम बना के हमको दिखाओ, तो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मुझे मेल भी लिख सकते हैं आप। तो जो भी आपकी क्यूरी होगी उस हिसाब से मैं आपको प्रोग्राम बना के भेज भी दूँगा, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। तो इसमें अगर आप कंडीशन के हिसाब से प्रोग्राम बन चुका है, मान लो कि आपने अगर इनिशियली दो नंबर प्रेस किया, तीन नंबर प्रेस किया, फिर वन नंबर प्रेस किया, तो भी बस ऑन क्या होगा, एक नंबर वाला ही ऑन होगा, बाकी दो तो ऑन होने वाले नहीं, ठीक है। तो फिर उसके बाद भी आपको रिसेट स्विच प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि तीन डिजिट आपने प्रेस कर दिए ना, तो आपको रिसेट प्रेस करोगे तो आपको जो भी पासवर्ड डाला होगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अगेन दूसरा जो आपको पासवर्ड लगता है वो आप डाल के चेक कर सकते हो। इसमें हमने बाकी के डिजिट्स इसलिए यूज़ नहीं किए क्योंकि उनको प्रेस करे भी और न भी करे तो उसका कोई मतलब है भी नहीं, लेकिन कॉम्बिनेशन में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन में बस हमारे तीन ही स्विचेस है, तो इसलिए हमने तीन ही स्विच यहाँ पर यूज़ कर लिए, बाकी के स्विच यूज़ करने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अगर इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे मेल करके लिख सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगता है कि इसी प्रोग्राम को आप उस काड़ा के ऊपर भी देखना है तो वहाँ पर भी कीज इस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो वहाँ पर भी हम आपको दिखा सकते हैं ये प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बाद में आप पूछ सकते हो। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने हमारा प्रोग्राम सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।